नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स। तू चल मैं आया जी हाँ। बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। एक जाता है और कहता तू चल मैं आया, और लगातार कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। सागर से बीना में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए है, और मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीना विधायक निर्मला बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम यादव की सभा में कमल का दामन थाम लिया। जी हाँ, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने आज सागर में सीएम मोहन यादव की सभा में पार्टी का दामन थाम लिया। जनता के वोट की कोई कीमत रह नहीं गई है। अब जनता बेचारी क्या करेगी, किसे वोट देगी? जिसे वोट देती है वही पार्टी बदल लेता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये भविष्य की गत में है, लेकिन ये बात तय है कि बुंदेलखंड में 8 की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में पहुंच गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगातार लग रहे हैं, और अब सागर में कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में चली गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद ही उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सागर के राहतगढ़ में आयोजित सभा में भाजपा की सदस्यता ली है, और ये अपने आप में उस स्थिति को बतला रहा है कि किस तरह से बीजेपी का एक गेम प्लान जो है सफल होते दिख रहा है। जैसा कि माना जाता है इसी तरीके का गेम प्लान चुनाव के पहले बनाया जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त अभी से मिलना शुरू हो गई है। विधायक निर्मला सप्रे सागर जिले में कांग्रेस की इकलौती विधायक थी। अब उनके भाजपा में जाने से जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा, और निर्मला सप्रे ने जो वजह बताई है वह भी सुनिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक SC ST महिला का अपमान किया है, इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हालांकि ये वजह बताई है उन्होंने, लेकिन अंदरूनी क्या वजह हो सकती है? जनता के वोट की कोई कीमत उन्होंने समझी क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब सुनिए जरा और देखिए विजुअल्स किसने क्या क्या कहा है। देखिए, हमारी 7 विधानसभा थी, अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यों से प्रभावित होकर बिना कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भी भाजपा में आ रही है। अब सागर में 8 की 8 सीट आपकी, और सांसद दल की जवाबदारी मुख्यमंत्री ने कहा है तो आपकी। मेरे साथ बोले भारत माता की। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है। पिछले 3 दिनों पहले जो घटना हुई, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए जो शब्द उपयोग किए गए, क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली हूँ। पहले मैं जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हूँ। चूंकि महिलाओं का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो महिलाओं की मुझे चिंता भी रहती है। जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह नेताओं के द्वारा बार बार महिलाओं पर टिप्पणी की जाती है, कभी चाशनी बनाकर बोल दिया जाता है, कभी आइटम बनाकर बोल दिया जाता है, इससे मैं काफी दुखी थी। और लगातार मैं 3 दिन से काफी सो भी नहीं पाई हूँ। दुखी इतनी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ इस तरह भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वही कांग्रेस पार्टी में लगातार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी का होना बड़ा ही गलत है। इससे मैं काफी दुखी थी, और इसी दुखी से मैं विचलित होकर और इससे मैंने भारतीय जनता पार्टी।